बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने हाल ही में अर्नायक के जरिए अपना स्ट्रीमिंग डेब्यू किया है। सिरोंच नाम के काल्पनिक कस्बे में बनी गई ये कहानी एक मर्डर मिस्ट्री है जिसे 90s के बैकड्रॉप में लिखा गया है। रवीना टंडन ने इंडस्ट्री को तमाम हिट फिल्में दी हैं और बॉलीवुड को अगले पायदान तक भी ले जाने में उनका अहम हाथ रहा है। एक्ट्रेस ने तमाम ब्लॉकबस्टर हिट फिल्में और गाने दिए हैं। रवीना टंडन भले ही अब सिल्वर स्क्रीन पर कुछ खास नजर नहीं आती हो, लेकिन बावजूद इसके वो सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ टच में जरूर रहती हैं। सिर्फ इंस्टाग्राम पर ही एक्ट्रेस को लगभग 7 लाख से भी ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। एक्ट्रेस अपने फैंस के साथ अपनी पर्सनल और अपने प्रोफेशनल लाइफ के मोमेंट्स अक्सर शेयर करते हुए नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने प्रिंटेड लॉन्ग ड्रेस में अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक्ट्रेस को एयरपोर्ट पर भी बोल्ड और ग्लैमरस आउटफिट में देखा गया, जहां एक्ट्रेस पिंक कलर के प्रिंटेड जंप सूट पहने हुए नजर आई। आप हमारे इस वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं कि इस दौरान एक्ट्रेस रवीना टंडन चेहरे पर मास्क लगाए ओपन हेयर में विदाउट मेकअप वीडियो में नजर आ रही हैं। वहीं इस दौरान रवीना टंडन बेहद ही खूबसूरत अंदाज में एयरपोर्ट पर पेपराजी से बात करते हुए भी नजर आई हैं और अपने शानदार अंदाज में ड्रम कर उन्होंने पोज भी दिए हैं। वह रवीना टंडन इंडस्ट्री की उन गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से एक हैं जो बेबाक अंदाज में अपनी राय रखना पसंद करती हैं। अपने एक इंटरव्यू में भी रवीना ने उन महिला पत्रकारों को लताड़ा था जो उनकी कामयाबी के दिनों में उन्हें कवर किया करती थी। उन्होंने कहा कि ये लोग बॉडी शेमिंग, ह्यूमिलेशन और किसी भी महिला को नीचे घसीटने वाली हरकतें करते हैं। हाल ही में मोहरा फिल्म के गाने टिप टिप बरसा पानी का रीमेक करके फिल्म सूर्यवंशी को रिलीज किया गया। इस गाने को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली और इसके रिलीज के बाद एक बार फिर से रवीना टंडन भी सुर्खियों में आ गई। कैटरीना को एक बार फिर रवीना से कंपेयर किया जाने लगा क्योंकि इस गाने में कैटरीना से पहले रवीना टंडन ने काम किया था और अपने बोल्ड मूव से सबको अपना दीवाना बनाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन बड़े मियां छोटे मियां, अखियों से गोली मारे और तकदीर वाला जैसी सुपरहिट फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उन्हें प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं और रवीना प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट भी कर रही है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रहे उनके अगले प्रोजेक्ट्स को लेकर भी उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो साल 2004 में रवीना टंडन ने अनिल थदानी से शादी कर ली थी। कपल की एक बेटी और एक बेटा है। रवीना अपने फिटनेस को लेकर भी काफी कॉन्शियस है और 47 की उम्र में भी वो आज महज 30 साल की नजर आती है। वेल, सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो काफी लाइक्स बटोरते हैं। अक्सर रवीना अपनी बोल्ड और ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर करती नजर आ रही हैं। या कभी एक्ट्रेस अपने सिंपल लुक में ही बोल्डनेस का तड़का लगाते हुए एयरपोर्ट पर भी स्पॉट हो जाती हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से रवीना टंडन का एयरपोर्ट पर ये बोल्ड और ग्लैमरस अवतार देख आपको क्या कहना है और एक्ट्रेस का ये लुक आपको पसंद आया या फिर नहीं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।